मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं पहुंच गई हूँ आज ये मेघालय। तो अभी मैं रिसेंटली मेघालय से घूम के आई हूँ, तो हम ट्रेन पकड़ लेते हैं संबलपुर से हावड़ा। और हमारा ट्रेन रात को 7 बजे था और हम पहुंच जाते हैं सुबह 6 बजे। नेक्स्ट ट्रेन हमारी होती है 9 बजे, जो कि कोलकाता रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी तक। तो बस सफर करते करते हम पहुंच जाते हैं यहाँ गुवाहाटी पे। तो गुवाहाटी पे पहुंचने के बाद हमें 4 बज जाते हैं और हम लिए चलते हैं एक बाइक। और बाइक हमने रेंट किया था पर डे 600, सॉरी स्कूटी हमने रेंट किया था पर डे 600 लेके। और हम निकल पड़ते हैं गुवाहाटी से मेघालय यानी शिलोंग तक। तो करीबन 3 घंटे का रास्ता है और आप प्रकृति का सुंदरता एंजॉय करते करते हम पहुंच जाते हैं उमियम लेक पर। ये देख सकते हैं काफी ही सुंदर दिखने वाला ये उमियम लेक हमें रास्ते पे ही मिल गया था। और बस चलते चलते हम पहुंच जाते हैं यहाँ के टूर के लिए। आपको प्राइस, टिकट प्राइस आपको यहाँ पे 20 रुपीज देनी होती है और आप नीचे जाके फोटोशूट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे फूलों से इसे सजाया गया है और पानी की ब्यूटी तो मत ही पूछे। वैसे ये मेरे टी शर्ट से काफी ज्यादा मैच हो जा रहा था और मत ही पूछे इतना सुंदर लग रहा था, बेहतरीन नजारा। वैसे रिसेंटली इससे पहले तो मैं जो देहरादून गई थी वहाँ पे भी कुछ इस तरह के नजारे बहुत सारे थे, लेकिन अलग ही होता है ना एक हिल टॉप और हिल स्टेशन की सब जगह से। एंजॉय करके बहुत सारे फोटोज वीडियोस लेके हम फिर निकल जाते हैं शिलोंग की तरफ। ऐसे शिलोंग में जाते समय बहुत सारे कोनिफरस फॉरेस्ट ये सब पड़ रहे थे और आप देख सकते हैं यहाँ के ब्यूटी भी आप एंजॉय कर सकते जा सकते हैं। वैसे बाइक का सबसे अच्छा चीज यही है कि आप हर जगह रुक रुक के उठाकर अपना पिक्चर्स वीडियो बना के जा सकते हैं, जो कि कार के लिए ये इतना सुविधा होता है नहीं। वैसे फिर भी सबकी अपनी अपनी ही बेनिफिट होती है। अगर ये चीज अब बारिश में टाइम में आते हैं तो ये शायद नहीं हो सकता। तो हम रुके हुए थे 55 पिलर्स ये आप देख सकते हैं होटल पे और काफी डिसेंट प्राइस पे हमको ये मिल गया था, लगभग 1200 पे। और हमने यहाँ पे स्टे किया रात सारा और नेक्स्ट डे हम सुबह के 4 बजे से रेडी होके, ये 5:30 हो गए थे। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ठंड लग रहा था, मेरा हेलमेट का भी आप देख सकते हैं वाइपर जो है वो बिल्कुल फॉग में भीग गया था। और पहुंचते पहुंचते हम निकल पड़े लैटिनियम कैनियन के तरफ। देख सकते हैं ये कैनियन बिल्कुल ही अमेरिका का जो ग्रेट कैनियन है आप जानते होंगे, बस उसी की तरह ये नजारा है। तो अगर आप सुबह सुबह ये आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो क्लाउड्स में ये पूरा भर के अंदर पूरा बैठा हुआ रहता है। बस यहाँ का व्यू इसीलिए सब एंजॉय करने आते हैं। अगर आप सुबह के टाइम में निकलते हैं तो ही आपको बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ का टिकट प्राइस है 30 विथ बाइक और 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स, सबके अलग अलग प्राइजेस होते हैं। बहुत ही ज्यादा खाई था बाबा देख सकते हैं आप, लेकिन बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू था और बहुत ही बेहतरीन नजारों से भरा हुआ था। काफी ज्यादा ठंडा हवा आ रहा था क्योंकि सुबह का 6:30 ही बजा था, और लेकिन यहाँ का धूप आप देख सकते हैं, धूप लगने पर भी बहुत ही ज्यादा ठंड था और क्लाउड में हर तरफ ये भरा हुआ है, कुछ नहीं बस क्लाउड ही क्लाउड है हर तरफ, इसलिए तो कहा जाता है। तो लैटिनियम कैनियन विजिट करने के बाद हम कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश। ब्रेकफास्ट में हमने बॉइल्ड एग और चाय पिया, फिर भी हल्का हल्का भूख लग रहा था। यहाँ पे वैसे प्राइसेस काफी ज्यादा है, एक एक एग का 10 रुपीज, क्या करें होता तो है ही टूरिस्ट प्लेसेस में। और चेरी ब्लॉसम्स को हम लोग इंजॉय करते करते निकल जाते हैं डबल डेकर रोड ब्रिज की तरफ। तो उससे पहले हमारे पास काफी ज्यादा टाइम होता है तो हम बीच में आ जाता है काफी सारे नजारे, उसे इंजॉय करते करते हम पहुंच जाते हैं गार्डन ऑफ केप्स की तरफ। तो गार्डन ऑफ केप्स में यहाँ पे अलग अलग प्राइसेस है, कैमरा अगर फोटो शूट ओवर करेंगे तो उसका भी अलग प्राइस है और पर पर्सन ही तो यहाँ पे 100 रुपीज और आपके पार्किंग फीस अलग रहेंगे। तो यहाँ पे टोटल 11 स्पॉट्स है और 11 स्पॉट्स को आपको कवर करना होता है।
कुछ बीच बीच में बहुत सारे ब्रिजेस आ रहे थे, आपको उस ब्रिजेस को पार करने के लिए एक स्पॉट पे जाना होता है। तो इसके अगले स्पॉट पे एक प्योर वाटर का एक स्ट्रीम आ रहा था जो कि हमने ट्राई किया। पानी बहुत ही ज्यादा मीठा था एंड या ऑब्वियसली बहुत ही नेचुरल वाटर है, तो आप यहाँ पे पी सकते हैं और हमने पिया और टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा था। तो बस ये हो गया हमारा गार्डन ऑफ केव्स विजिट। उसके बाद हम निकल चलते हैं डबल डेकर रूट की तरफ, और डबल डेकर रूट की तरफ हमें जाने लगेगा लगभग 3 घंटा रास्ता, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो हम निकल पड़ते हैं। वैसे एक्चुअली हम लोग बीच में रास्ता भटक गए थे, तो ये चीज का गलती आप ना करें, आप पहले पूछ लीजिए कि आपको सेफेस्ट प्लेसेस कौन सा है विजिट करने के लिए, जो कि हमने एक गलती कर दी। हमने एक्चुअली रास्ता सब ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे टूरिस्ट विजिट नहीं कर रहे थे, तो हमें वो सेफ नहीं लगा और हम वहां से रिटर्न चले आए। तो फिर हमें काफी ज्यादा ट्रैवल करके फिर वही सेम 3 आवर्स लग गए डबल डेकर रूट की तरफ पहुंचने के लिए। लेकिन बस एक बात की एहसास बहुत अच्छी हुई कि यहाँ पे हम क्लाउड्स को एंजॉय करते करते चले आए। तो फाइनली हम अपने स्पॉट्स पहुंच जाते हैं, ये देखिए डबल डेकर रूट ब्रिज की तरफ। हाइकिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा लगभग 3500 स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। जाते जाते तो सब ठीक ही रहता है, लेकिन आते समय शायद बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, ये तो देखते ही पता चल गया था। तो वैसे जाते जाते तो निकल ही चलते हैं, बीच में आपको बहुत ज्यादा स्टॉल्स मिल जाएंगे, आप रुक रुक के ही आपको तो आना होगा ही, तो इसलिए हर तरफ बहुत सारे स्टॉल्स हैं। तो बस नीचे 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 चलते चलते हम पहुंच जाते हैं, और ये सिंगल डेकर रूट ब्रिज। तो बस काफी ज्यादा थक गई थी मैं, तो इसलिए हम रेस्ट रेस्ट करके जा रहे थे। तो भाई इट्स नॉट दैट इजी, आप जितना सोच सकते हैं काफी ज्यादा ट्रेकिंग करना पड़ता है। वैसे बहुत प्रोबेबली बहुत कम ही लोग डबल डेकर रूट तरफ चल जाते हैं, वैसे सिंगल रूट तरफ घूम के ही बहुत ज्यादा थकावट हो ही जाती है, फिर डबल तक जाने के लिए और एनर्जी तो होता है नहीं। फिर भी क्या करें, अब आए हैं तो चल के तो निकलना पड़ेगा, इसलिए इस चीज को हमेशा लास्ट में रखिएगा अगर आप मेघालय घूमने आते हैं। ये देखिए क्लियर वाटर में क्लियर मिलर फिशेस, और ये हमारा डबल डेकर रूट का एरिया। बस यहाँ आते ही जैसे जन्नत जैसे लग गया, बस आ तो गए, अब जाने का डर लग रहा है पूरा। ये डबल डेकर रूट ये बिल्कुल ओरिजिनल लिविंग रूट है, इसमें किसी चीज का यूज नहीं है नहीं हुआ। यस, आपको घूम फिर के ही आना है क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, तो इसीलिए अकेले मत आए यहाँ, क्योंकि यहाँ अकेले आएंगे तो आप शायद ज्यादा बोर हो जाएंगे। तो अगर कोई किसी के साथ फ्रेंड्स के साथ सबके आते हैं मिलके तो बहुत अच्छा लगना यार। आप हालत मेरा देख सकते हैं कितना ज्यादा थक चुकी हूँ मैं, बस भाई हो गया। नेक्स्ट डे मेरा पैर बहुत दर्द करने लगा था, फिर भी हमें जाना था और ज्यादा कवर करना था। तो नोकलीकाई वाटरफॉल यहाँ पहुंच गई हमें फिर सुबह सुबह, और ये आप देख सकते हैं बस मुंह पूरा सूख ही चुका था, इतना ज्यादा पेट दर्द कर रहा था, मत ही पूछिए। लेकिन ये देखिए इतना ब्यूटीफुल नजारा देखने के बाद तो सारा दर्द ही कम हो जाता है। की फीस 50 रुपीज है पर पर्सन, और मार्केट्स है, आप यहाँ पे कुछ भी परचेस कर सकते हैं। मैंने रेट्स पूछे नहीं, लेकिन सिमिलर्स हैं, हर तरफ इस टाइप की चीजें तो मिलती हैं। लेकिन बस अगर आपको कुछ मेमोरी के लिए जाना है तो आप लेके जा सकते हैं। फिर हम चल पड़ते हैं शाम तक ईस्ट खासी हिल्स पहुंच गए, और यहीं से हम लोग निकल चलते हैं डॉगी रिवर की तरफ। तो हम सोच रहे थे पहुंच पाएंगे नहीं क्योंकि रोड बहुत ज्यादा ही खराब था, बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा खराब, तो बहुत ही टाइम टेकिंग हो गया। लेकिन जैसे जैसे करके हम पहुंच जाते हैं 4 बजे डॉकी रिवर, जो कि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर में से एक है, और ये पहुंच गए हम लोग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो ये जो आप बीच में देख सकते हैं एक पत्थर से बनाया हुआ, मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, तो वही एक बॉर्डर है, उसके अगली साइड है बांग्लादेश पीपल और इस साइड है हमारी इंडिया। तो बस मैं वही देख के सरप्राइज हो रही थी कि ऐसे भी बॉर्डर है। तो यहाँ पे सारे जितने बॉर्डर के आसपास के लोग सभी वही कैमरामैन बांग्लादेश वाले थे, और हम हमारे फोटो क्लिक करने के लिए बोल रहे थे। ये देखिए ये है वो बॉर्डर, है ना काफी कमाल, उसके ऐसे बॉर्डर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बस हमारे
हमारा यहाँ पर काम खत्म हो गया और हमें अभी वोटिंग भी करना था क्योंकि रात होने का टाइम हो जा रहा था, तो इसलिए 600 पर पर्सन सॉरी पर वोट पे हमें मिल गया। और अगर आप वहीं पे ही टिकट काउंटर पे करते हैं तो ये 800 रुपीज सब करना है, वैसे हमें 600 में मिल गया, चलो अच्छी बात है। बस यहाँ पे कुछ टूर करके, वैसे ये जो नजारा है ये क्लीनेस्ट वाटर फील करके बस हमें निकल जाना है। काफी ज्यादा मनमोहक, काफी ज्यादा, ये आप देख सकते हैं सब फिशिंग कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिनिमल खाना और बहुत ही मिनिमल इजी लाइफ पे जीते हैं जो कि हमारे यहाँ से काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो वही चीज बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ के लोग बहुत ही क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पीपल है, सब बहुत अच्छे से आपको क्रिएटिव हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा जगह को महसूस करके, यहाँ पे यहाँ के लोगों से मिल के। ज़रूर आएँ आप मेघालय घूमने, हमें ज़्यादा बजट भी हमारा ख़राब नहीं हुआ, लगभग 16,000 में एवरीथिंग हमें 3 डेज का कवर हो गया। अगर आप कैब वगैरह करते हैं तो शायद और भी कम पड़ जाए, तो हमने बाइक लिया था शुरू, तो शायद इसीलिए थोड़ा ज़्यादा भी, इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप 16,000 देखते हैं तो डिसेंट इट्स बजट इन है। सो ये देख सकते हैं कितना ही क्लीनेस्ट वाटर रिवर है। बस इसे देखते देखते ही शाम हो जाती है और मेरा फोटो क्लिक कर करके वैसे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ मैं, एंड शाम हो जाता है। ये देखिए रात हो गया, बस हमें निकलना है। और अगर बजट की बात कर दूँ तो होटल्स, हमारा जो स्कूटी था, ईटिंग फूडिंग और विदाउट एक्सक्लूडिंग हमारा जो शॉपिंग हमने किया नहीं, तो हमारा टोटल 16,000 ही पड़ा। बहुत ही डिसेंट प्राइस पे हमने मेघालय कवर कर लिया और वहीं बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। बस एक चीज़ रह गया जो कि द क्लीनेस्ट विलेज भी था, बैलोंग विलेज कुछ कहते हैं। एंड हमारी प्लानिंग जो होती है वो बस अचानक से ही वाला होता है, बस जहाँ जाता है वहीं से ही हमारा प्लान स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स भी होता है, कभी कभी टिकट्स मिलने भी मुश्किल हो जाता है, कभी कभी रूट्स हमारे खराब होते हैं, लेकिन हाँ ट्रिप हमारे बहुत ज्यादा एडवेंचरस होती है, तो वही हम इन दोनों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप आते हैं तो प्लानिंग करके आए जरूर। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, अभी के लिए बाय बाय।